इंडियन आर्मी की 7RR सेक्टर के ब्रिगेडियर दीपक मोहन ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे में मकामी लोगों का अहम रोल है। गुज़श्ता 19 जून को सोपोर में दहशतगर्दों के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर दीपक मोहन ने बताया कि इस ऑपरेशन में लश्कर के 2 दहशतगर्दों को मार गिराने के साथ ही उनके कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मारे गए दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी थे जिनकी शिनाख्त उस्मान और उमर के तौर पर हुई है। जवाबी कार्रवाई में दोनों टेररिस्ट मार गिराए गए। ये दोनों टेररिस्ट पाकिस्तान से हैं और लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप से वास्ता रखते हैं। इनका नाम उस्मान और उमर है और उस्मान कश्मीर घाटी में साल 2020 से एक्टिव है। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद